अगर देखा जाए तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने वाली है, जैसा कि हमने साइंस फिक्शन मूवीज़ में देख रखा है। मगर आज के इस टाइम में एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकल चुकी है जो कि हमारी दुनिया को बदल के रख सकती है, जिसका नाम है ChatGPT। आप सभी को ChatGPT के बारे में तो ज़रूर पता होगा, क्योंकि ये हमारे किसी भी बड़े से बड़े काम को कुछ सेकंड्स में कर सकता है। मगर क्या आपको पता है कि ये काम कैसे करता है? तो शायद आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि हमें पता चलने वाला है कि ChatGPT आखिर काम कैसे करता है। तो आज के सफर में हम जानने वाले हैं कि ChatGPT कैसे काम करता है। सबसे पहले जान लेते हैं चैटबॉट की हिस्ट्री को। दुनिया का सबसे पहला चैटबॉट को जोसेफ विंजनबाम ने 1994 में MIT में बनाया था। इसी के साथ चैटरबॉट नाम दुनिया के सामने आया। तो अब देख लेते हैं कि आखिर ChatGPT का इन्वेंशन हुआ कैसे। कुछ महीनों पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम किसी भी काम जैसे असाइनमेंट, होमवर्क, प्रोजेक्ट, क्वेश्चन आंसर जैसे मुश्किल कामों को कुछ सेकंड्स में कर पाएंगे। लेकिन 30 नवंबर 2022 को OpenAI नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक चैटबॉट को लॉन्च किया, जिसका नाम था ChatGPT। इसे सैम एल्टमैन, जिसे फादर ऑफ ChatGPT भी कहा जाता है, और उनकी टीम ने मिलकर बनाया था। तो जान लेते हैं ChatGPT के वर्किंग के बारे में। ChatGPT में GPT का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है जो कि आपके टेक्स्ट को लेकर एक नया सेंटेंस बनाता है और आपके क्वेश्चन का जवाब देता है। ये करने के लिए ChatGPT को काफ़ी सारे टेक्स्ट डेटा जैसे बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट से ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे ये लैंग्वेज के पैटर्न, स्ट्रक्चर, सिंटेक्स, ग्रामर को समझकर एक अच्छा सा रिस्पॉन्स यूजर के लिए बना सके। ट्रेनिंग के बाद ChatGPT को फाइन ट्यून्ड किया जाता है, जिससे ये किसी भी स्पेसिफिक टास्क जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर ये और भी अच्छी तरीके से दे पाता है बिना किसी गलती के। GPT एक ऐसा लैंग्वेज मॉडल है जो कि पुराने डेटा और आपके कॉन्वर्सेशंस को और ज़्यादा सीखता है। ये बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह है जो कि पुरानी बातों को हमेशा याद रखता है और अपनी नॉलेज को बढ़ाता जाता है। इस एबिलिटी से ChatGPT प्रिडिक्ट कर सकता है कि एक अधूरे सेंटेंस के आगे क्या लग सकता है जिससे सेंटेंस पूरा हो सके। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, द कैट इज ड्रिंकिंग अ बाउल ऑफ, तो बाउल ऑफ के आगे एक ब्लैंक है, तो ज़्यादा चांसेस है कि ChatGPT हमें मिल्क सजेस्ट करेगी, क्योंकि ये समझ चुकी है कि कैट को मिल्क ज़्यादा पसंद होता है। ChatGPT नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक यानी NLP का यूज़ करता है, जिससे ये ह्यूमन के लैंग्वेज को समझता है और जनरेट कर पाता है। इसी में से एक टेक्निक है टोकनाइजेशन, जो कि टेक्स्ट को ब्रेक करके अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड कर देता है, जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज में टोकन्स भी कहा जाता है। इससे ये दिए गए टेक्स्ट में वर्ड के सीक्वेंस का पता लगाता है और टेक्स्ट को समझकर अपने लैंग्वेज मॉडलिंग एबिलिटी से सेंटेंस को अच्छे से फ्रेम कर पाता है। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP की क्षमता से एक सिंपल और मीनिंगफुल रिस्पॉन्स को तैयार करता है। ChatGPT एक रिस्पॉन्स को बनाने के लिए आपके कॉन्वर्सेशन के मेन कॉन्टेंट और पूछे गए क्वेश्चन के टॉपिक एंड आपके ग्रामर और सिंटेक्स को यूज करके एक यूजर फ्रेंडली रिस्पॉन्स बनाता है। जब AI रिस्पॉन्स बना लेता है तो उसे डिकोडिंग करके ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है और स्क्रीन पे लिखना शुरू कर देता है, जैसा कि आप देख चुके होंगे। ये सब इतना जल्दी होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप इस सफर में जान चुके होंगे कि आखिर ये चैटबॉट यानी ChatGPT काम कैसे करता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के जरिए हमें बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।